मेरे हाथ में दोस्तों थोड़ी सी फीड है और वहाँ पर है ऐश और ये है मेरे करीब फियोना। तो आज दोस्तों मैं कोशिश करूँगा इनको थोड़ा सा ट्रेन करने की। मैंने सुना है कि खुराक के साथ ये ट्रेन होते हैं, इनके लिए ट्रेनिंग बिस्किट्स भी होते हैं, लेकिन अभी हमारे पास ट्रेनिंग बिस्किट्स नहीं है तो हम वही खुराक इस्तेमाल करेंगे जो हम इनको रोज़ देते हैं। तो सबसे पहली बारी होगी फियोना की। यार तुम मेरा साथ दो, ठीक है? करना क्या है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम देखते जाओ सिर्फ। ओके, मुझे तो समझ नहीं आ रहा किस तरह ट्रेनिंग होती है। हाँ ये देखो। हाँ। अब मैं इस टाइम ना इसको खुराक नहीं दूंगा, ये खुद ब खुद मेरे पास आ रही है। जब तक ये बैठेगी नहीं ना, हाँ। मैं इसको खुराक नहीं दूंगा। चलो बिठाओ फिर। सिट 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 फियोना। यानी कि इनको सब्र सिखाना होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे बिल्कुल नहीं दूंगा। नहीं, इधर बैठो फिर मिलेगा। सिट सिट। अब ये समझ रही है कि मुझे जब बैठी हूँ ना खुराक मिल रही है। अच्छा, अभी नहीं समझी, दोबारा करो। एक दो दफा इसको फिर माइंड में आ जाएगा। फियोना अब देखो बैठ गई है वाकई। हाँ, देख रहे हो, देख रहे हो। हाँ, यही प्रोसेस जब हम एक दो हफ्ते करेंगे ना, ये फुल ट्रेन हो जाएंगे। इतना मुश्किल नहीं होता ट्रेन करना, इनको खाने को भी ट्रेन आराम से कर सकते हैं। जब ये उल्टा काम करेंगे इनको एक आधी चपेड़ मारनी पड़ती है, ज्यादा जोर से नहीं, आराम से। और जब ये अच्छा काम करेंगे जो हम चाहते हैं फिर इनको खाना मिलेगा, फिर ये सीख जाते हैं कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। ये देखें, अब एक दो दफा करने से ये पता चल गया कि बैठने पे ही मिलती है। अभी मैं फियोना को ट्रेन कर रहा हूँ थोड़ा। अच्छा। बहुत जो मुझसे हो रहा है, लेकिन अभी ऐश को बिल्कुल नहीं सीखता है। ऐश को टाइम लगेगा, ये बहुत शरारती है, जिद्दी भी बहुत है ये। फिर अभी मैं जाता हूँ भाई के पास, जो कारपेंटर है ना, जो काम करेगा हमारा मिनी जू का, उसके पास जाता हूँ। क्यों नहीं आ रहा यार, काफी टाइम हो गया। भाईजान जी, भाईजान भाई, क्या 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 चाहते हो तुम? काम करो भाईजान, काम करो। अभी बिजी हूँ, बिजी है तो हमारा काम नहीं करना। करेंगे आपका 12 बजे के बाद। भाई 12 क्या टाइम हो रहा है अभी? अभी 11:30। 11:30 अभी। हाँ। कितना टाइम है? एक घंटे के बाद मैं आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई, ये भाई बहुत ही तंग करता है हमें, मतलब बहुत तंग कर करके काम करता है हमारा। तो अभी मैं आया हूँ, देखो कैसे कह रहा था कि भाई मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा, थोड़ी देर बाद आऊँगा। अभी इन्होंने कहा 1-1.5 घंटे के बाद आऊँगा मैं वापस आपके पास। अभी यहाँ पर कुछ काम कर रहा है घर का, तो ये करके ही आएगा। तुम अभी तक लगे हो इनके पास? नहीं, कभी भी नहीं मिलेगी ऐसे। सही है, लगे रहो। आज हमारी इंशाल्लाह ये वाली जगह बन जाएगी, क्योंकि अभी भाई ने कहा मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ आज इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा ये वाला काम, और हम हर हाल में करा के रहेंगे। आज जबरदस्ती कराएंगे उसे, अगर ना भी किया तो जरूर कराएंगे आज। वो कब से पड़ा हुआ यार, ऐसे थोड़ी होता है यार, इतनी मेहनत से बना रहे हैं हम और टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है इस पर, लेकिन आज हो जाएगा। फाउंटेन में आज पानी कम है ना, मैंने अभी भरना शुरू किया है, तो जिस वजह से ना डक्स यहाँ पर नहीं आई अभी तक। जब फाउंटेन का पानी यहाँ तक भर जाएगा ना, तो मैं डक्स को अंदर छोड़ूंगा, फिर डक्स इसके अंदर नहाएंगी और वो भी बहुत ज़्यादा उसमें खुश होंगी। यहाँ पर क्या कर रहे हो? अंडा टूटा हुआ था भाई एक। क्यों? पता नहीं कैसे टूटा है, तो उसको फिर सेट कर रहा था, जो गीली गीली सारी तोड़ी थी ना। हाँ। उसको मैंने साइड पे कर दिया। देखो ये है अंडा। अच्छा। ये टूटा हुआ था एक। हाँ। और फिर देखो अब क्या करती है मुर्गी यार, खुद तोड़ा उसने? मुझे लगता है इसने खुद तोड़ा होगा भाई। हाँ, वैसे हो सकता है। ऊपर बैठी हुई है, अब देखो आती है ये वापस चली जाती। वो बैठी हुई है, आएगी यार, अपने अंडों को कैसे छोड़ के जा सकती है वो? चली जाती थी ना उठ के वॉशरूम में। अच्छा अच्छा, अब देखो क्या करती है यार। सफाई तो कर ली है मैंने, वेट करते हैं मुर्गी के आने का। ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? माशाल्लाह से मौसम बहुत अच्छा होने वाला है, थोड़ी देर के बाद सारे आसमान पर ना बादल छा जाएंगे, जो मुझे लग रहा है। सिप्टेन तुम्हें क्या लग रहा है? तुम्हारे कहने से हो जाएगा वो। देखो ना, एक बड़ा सा बादल सूरज को छुपा रहा है, देख रहे हो, लेकिन वो वापस जा रहा है यार। सूरज आएगी तो आएगी, देख लेंगे बारिश। कहना ये है कि आने वाली है बारिश, कह रहे थे कि 2-4 दिन बारिश ही रहेंगी। भाई उसको पता चल चुका है मैंने यहीं पर ही बैठना है, वो वॉशरूम में अब नहीं जाएगी। ठीक है ना, अब तसल्ली हो गई। हाँ, तसल्ली कर लो, इसको डिस्टर्ब नहीं करो, यहीं पे इनक्यूबेट करेगी वो। काम शुरू हो गया, चलो चलो थोड़ा, मैं लेके जा रहा हूँ इसको। मैं आ रहा हूँ सामान लेने जा रहा हूँ। ओके 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 ओके, चलो पहुँचो भाई पहुँचो। मौसम भी खराब होने लगा है, तुम्हारी नीयत सही नहीं है लगता है आज। सही है, सही है, बारिश आने वाली है, जल्दी करो। हाँ, बारिश नहीं आएगी, अभी धूप है। एक साइड से धूप निकली हुई है, एक साइड से काले बादल आ गए। बारिश शुरू हो जाएगी, अभी बारिश शुरू हो जाएगी यार। क्या यार, काम नहीं करना करे, बारिश आए जल्दी जल्दी काम मुका दे उससे पहले। हाँ, पहले चलो ये बारिश ये आने पहले पहले। जी जी बिल्कुल। ओए ये क्या हुआ इसको, ऐश को? इसको निदाया, निदाया। यार इसकी हालत देखें, कल हमने इसको नहलाया इतनी मेहनत से, ये भी गंदी हो गई है, और इसका तो ना ही पूछें यार, कितना गंदा हो गया है। अरे यार
एक मिनट तुम शुरू करो, एक मिनट। ये देखे इसमें गया होगा ऐश, देखे पानी भी मैला हुआ है। एक काम करता हूँ यार, हम यहाँ पर पानी रखते ही नहीं है ताकि अंदर जाए ही ना, बस बात खत्म हो गई यहीं पे। अब इसको दोबारा नहलाना पड़ेगा, लेकिन आज नहीं नहलाएंगे भाई, रोज रोज नहलाना भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि सेहत खराब हो सकती है। ओके सर, ये काम शुरू हो गया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी, क्या यार भाई चेक करो, 10 मिनट में भाई मशीन की तरह काम कर रहा है ये बंदा। यार तुम पागल हो, खराब हो जाएगा। आराम से भाई, तसल्ली से काम करो, यहाँ पे अभी पेच वगैरह लगने हैं, सेट करने लेने गया था ना, सारा कुछ लेके आ गया भाई। ठीक है ठीक है, ओके ओके। अब इन बांसों से क्या होगा यार, इन बांसों से बनेगा यहाँ पर गेट, जो कि बहुत प्यारा लगेगा। मैं तो सोच रहा हूँ कि किस तरह बनाना है, अभी मैं डिजाइन भी बनाता हूँ, मतलब दिखाता हूँ भाई को कि किस तरह बनाना है। मैंने आपको दोस्तों बोला था ना कि कुछ टाइम के बाद पूरे आसमान पर बादल छा जाएंगे, लेकिन जैसा भी मौसम होगा ना रमजान भाई, आपने काम नहीं छोड़ना यार, बारिश आ जाए चाहे आंधी आ जाए, ठीक है, चाहे तूफान आ जाए चाहे जलजला आ जाए, काम करना है। जलजला आएगा हम बचेंगे कहाँ से, ये बताओ। अल्लाह खैर करेगा, बस बारिश ही आएगी, ज्यादा नहीं है। लेकिन यार बस जल्दी जल्दी करें यार। ये देखो शहन क्या बन रहा है, घर। किसका? मेरा। आपका? आप इधर रहोगे? नहीं, जब तक भाई ये वाला काम कर रहे हैं ना, मैं क्या करता हूँ अंदर की जगह की ना यार सफाई कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा कचरा पड़ा हुआ है, ईंटें होगी, बांस हो गए और इस तरह की बोतलें वगैरह पड़ी हैं, तो ये मैं साफ कर लेता हूँ यहाँ पर। फिर अभी मैं करता हूँ यार यहाँ की सफाई, क्योंकि यार खराब चला गया तो मुझे ही करना पड़ेगा। फाइनली दोस्तों हमारा फार्म बिल्कुल साफ सुथरा हो गया है, लेवल कर ली हमने ज़मीन, मिलके किया मैंने सितैन और साथ में इस बच्चे ने भी हमारी हेल्प की है यार। और ये रमजान भाई अभी तक लगे हुए यार, जल्दी से दरवाजा बनाओ, मौसम बहुत खराब हो रहा है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है दोस्तों, ऐसे एसी सा फील हो रहा है, और हमारे ऐश और फियोना इस मौसम में बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन अभी वो बंद है, अगर खोल देते तो वो सारा खराब कर देते, सारा सारा यार यहाँ पर छेड़खानी करते रहते। ओ भाई भाई, तो यार बारिश होना शुरू हो गई है, ओ भाई साहब, और बहुत मोटी, स्विच बंद कर दो, स्विच बंद कर दो। ये देखिए बर्फ गिर रही है, एक मिनट और भी गिरेगी काफी, मैं बचपन में देखा था ऐसा। खानी नहीं अभी, ये भी ऐसी भी ये देखो, इसे खा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐश क्यों ना, लगेंगे लगेंगे, ये देखो यार तुराब ना, भी थोड़ी देर पहले कह रहे तो भाई लगते वापस आ जाओ, लगे अभी तुराब थोड़ी देर पहले कह रहा था कि मुझे लग रहा है कि ओले पड़ेंगे, और वाकई यार इसको पता नहीं कैसे पता चल गया, देख लो भाई मुझे पता चल गया, ये अभी इसको नहीं खाते, और आने दो कैच करेंगे। वो गिर रहे हैं, वो बड़े बड़े ऐश होना पागल हो रहे हैं, क्या हो रहा है ये, उनके पास जा रहे हैं वो, देख अभी आपको नजर नहीं आएंगे, मैं कहता हूँ और गिरेंगे ना फिर देखेंगे, बहुत ज्यादा गिर रहे हैं सर, अभी गिरेंगे गिरेंगे, ये देखें यहाँ पर गिरेंगे यार, छोड़ो इनको, ऊपर वाले परिंदे यार, उनको लग रहे होंगे ये, एक मिनट तुम्हें लग, हमें भी लग सकते हैं ये ऊपर वाले परिंदे हमारे खुले हो यार, ये तुम्हें भूल गया था, बंद करो बंद, लग रहे हैं हमें डायरेक्ट, ये बड़े जोर के लगते हैं ओले, ये हम सर को बचाने, लेकिन पीछे भी लगते हैं, जोर से लगते हैं, इनको अंदर जाने दो, बच गया बच गया। यार ये डक्स इधर गया अभी, ओले पड़ना दोस्तों खत्म हो गए हैं, लेकिन अब बारिश आ गई है और हमने सारे परिंदों को बंद भी कर दिया है, ये देखिए सारे परिंदे अपने अपने घरों में चले गए हैं, और हमारे मिनी जू के परिंदे भी बिल्कुल सेव हैं। जल्दी आओ, जल्दी जल्दी जल्दी, ओए यार इतना ज्यादा, ओए 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 ओए,
यार ये देखें अचानक से छोटे छोटे ओले पड़ना शुरू हो गए हैं, पहले बड़े थे फिर ब्रेक आई फिर छोटे से अचानक से एकदम आए। चलो यार नीचे लगे तो नहीं, चलो नीचे चलो। इस टाइम मैं ना मिनी जू में फंस चुका हूँ यार, क्योंकि मैं इधर आया था शिफ्ट रूम का दरवाजा बंद करने, तो अचानक से बहुत तेज बारिश हो गई है भाई दोबारा से, और उससे बहुत ज्यादा तेज हो गई है। अब ओले भी बहुत ज्यादा पड़ रहे थे, आपने भी देखा होगा, और मैं फंस चुका हूँ। अब मैं घर की तरफ नहीं जा सकता क्योंकि इतनी तेज बारिश है और ओले पड़ रहे हैं, तो मुझे नुकसान हो सकता है, इस वजह से मैं इधर ही खड़ा हूँ और मैं फंस गया हूँ यार, आगे नहीं जा सकता मैं। यहाँ पर छत का बुरा हाल हुआ था, मैं ऐसे अचानक आया देखने के लिए, और ये बंद हुआ हुआ था ना नाला, तो मैंने इसको अभी खोला है ऊपर से ना, तो अब इसके अंदर पानी जा रहा है, नहीं तो रुका हुआ था पानी। हाल देखे मिनी जू का, साफ तो हो गया दोस्तों, लेकिन इधर देखो भाई बड़ी बड़ी निकासियां हो गई हैं दोस्तों, सारा का सारा पानी ना इधर जा रहा था इस तरफ, और यहाँ पर भी देखे निकासी इतना बड़ी गहरी यार, ऐसे लगता है बस इसके अंदर हम यहाँ पर पाँव रखेंगे और हम भी नीचे गिर जाएंगे, ध्यान से देखते हैं। और इधर भी है भाई, ये सारा का सारा खराब हो गया यार, सत्यान क्यों हो गया ऐसा, देखते हैं ना फिर एक साथ डालेंगे मिट्टी। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों बारिश थम चुकी है और हमारे ऐश और फियोना बहुत ही मजे से बैठे हुए रिलैक्स, लेकिन ऐश बहुत ही मैला हुआ पड़ा है। अभी चलते हैं यार छत पर और छत वाले प्रिंटर को खोल देते हैं, क्योंकि अब बारिश रुक गई है, डक्स वगैरह तैरना शहरना यार, ऊपर पानी नहीं आया। चलो फिर ऊपर चलते हैं, डक्स वगैरह को खोलते हैं। ओहो ना अंडा है ना परिंदा है भाई, जाहिर है यार इतनी तेज हवा आई है, ये देखिए दोस्तों बारिश आई है, अंडा भी नहीं है परिंदा भी नहीं है, बेचारा छोड़ो खैर। हम खोल लेते हैं अब मुर्गियों को और बत्तखों को, आ जाओ भाई आ जाओ, सारी बत्तखें मुर्गियां सारी आ जाओ, बारिश रुक गई है, आ जाओ शाबाश, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये देखो कितना साफ सुथरा माहौल हो गया है, आ जाओ, हाँ डाल दो सिपी यहाँ पर। और अब मैं अंडों वाली मुर्गी को देख लेता हूँ यार उसकी क्या कंडीशन है, यहाँ पर भी पानी आया होगा लेकिन ये हमारी मुर्गी बिल्कुल ठीक है, ये देखें यहाँ पर कोई पानी नहीं है, तो ये बिल्कुल सेव है, इसको कर देते हैं बंद। हाँ जी ऐसे ही, तो बारिश आने की वजह से दोस्तों माहौल तो अच्छा हो गया है, लेकिन एक मसला ये हुआ कि हमारा काम रुक गया यार मिनी जू में, हम जो फार्म बनवा रहे थे ना, और भाई भी घर चले गए, उन्होंने बोला हम सुबह आएंगे सुबह काम शुरू होगा, तो खैर जो होना था हो गया यार, ये अल्लाह की तरफ से था। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और हमारे चैनल शहर में देहात को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अभी के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। इनको सितन दाना वगैरह देंगे ना फिर बंद कर देंगे, जल्दी बारिश फिर भी आ सकती है, सही है ना यार, कबूतरों को किसी तरीके से नीचे बंद करना होगा यार, इधर रात होगी ना पकड़ लूंगा मैं, रात को काफी मसला होता है फिर यार। चलो यार ये सारा दाना इधर रखा हुआ था, ये तो गीला हो गया होगा सारा, इनको उठाओ ना, इसको उठा के इधर रख दो जहाँ पर बारिश नहीं आती, यहाँ पर भी सही है। ओए रैबिट क्या कर रहा है इधर, तुम भी जाओ यार खाना वाना खाओ, चलो भगो भगो भगो।